दो दिवसीय दंगल प्रतियोगिता बलुआ पूजा समिति के द्वारा किया गया आयोजित। कटिहार जिला के बराड़ी प्रखंड अंतर्गत सुजापुर पंचायत के बलुआ गांव में स्थित दुर्गा मंदिर के मैदान में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बलुआ पूजा समिति के द्वारा दो दिवसीय बालेश्वर प्रसाद स्मृति कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जो कल देर शाम सम्पन्न हो गया। कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन बराड़ी विधायक विजय सिंह एवं विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया गया था। इस दंगल प्रतियोगिता में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित कटिहार जिले के कुल 11 महिला पहलवान एवं 2 दर्जन से अधिक पुरुष पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस दंगल प्रतियोगिता में विजय घोषित हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अभय कुमार मिश्रा, सरोज कुमार यादव, कटिहार के आंचल कुमारी रिंकी कुमारी, उत्तर प्रदेश के नेहा कुमारी, रमिता कुमारी, बरारी कांत नगर के अमन कुमार यादव, आशीष कुमार आदि को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा शील्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि इस आयोजन के बाद बरारी के लोगों में खेल के प्रति रुचि बढ़ी है। कार्यक्रम के आयोजक स्वामीनाथ जायसवाल ने बताया कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में खेल के प्रति लोगों को रुचि बढ़ाना एवं खेल के माध्यम से होनहार खिलाड़ियों को आगे लाना। इस दंगल प्रतियोगिता को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचे थे। जयसवाल जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय पूर्व के जिला के अध्यक्ष भागलपुर के सांगठनिक प्रभारी श्री लक्ष्मी प्रसाद महतो जी, श्री अरुण कुमार जी, श्री गौरी शंकर चौधरी जी, श्री बबलू जी, श्री मनोरंजन जी, इस पूजा समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और मंच पर आसीन सभी हमारे मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, इस आयोजन से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित समिति के पदाधिकारी सदस्यगण और इस क्षेत्र के गणमान्य ग्रामीण बंधुओं और दूर दूर से आए हुए तमाम हमारे नवरात्र के अवसर पर उपस्थित हमारे श्रद्धालुगण, ग्रामीण बंधुओं, माताएं, बहनें, सर्वप्रथम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं लगभग 1.5 घंटा विलंब से आपके बीच में पहुंचा हूं। मनमनखी में कार्यक्रम हमें अपने बचपन के पुराने दिनों को याद कर गया और धीरे धीरे जो कुश्ती एक भारतीय खेल के रूप में भारत के लोगों के शारीरिक ताकत के रूप में जाना जाता है और बचपन से प्रत्येक दुर्गा पूजा के अवसर पर दंगल और कुश्ती का आयोजन होता था, लेकिन धीरे धीरे परंपरागत रूप से यह खेल ग्रामीण क्षेत्रों में विलुप्त होता चला गया, जबकि ओलंपिक से लेकर एशियाड और जितने भी राष्ट्रमंडल के खेल हैं सबों में यह कुश्ती का आयोजन होता है और इसमें हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ी भी भाग लेते हैं। मुझे आश्चर्य लगा कि बराड़ी प्रखंड की कुछ हमारी बच्चियां भी आज जो हमारे साथ फोटो खिंचा रही थी तो कुश्ती में भाग ली है और वास्तव में जो हमारे देश की माटी से जुड़ा हुआ जो खेल है और ग्रामीण प्रदेश से आए हुए खिलाड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसे हमने फुटबॉल में भी देखा, ऐसे खेल हैं जो भारत की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इन खेलों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे नौजवान बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बलवा एक बार आने का बहुत भरपूर मौका लगा था, लेकिन आज के इस आयोजन में इतनी संख्या में श्रद्धालु आज उपस्थित हैं, इस स्थान के शक्ति और इसकी महिमा के महत्व को भी आज समझने का अवसर मिला है। मैं सर्वप्रथम जो हमें जिनके कारण हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और श्री स्वामीनाथ जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि आप जो यह खाद है बर्मी के जैविक खाद के द्वारा
इस कुश्ती प्रतियोगिता को इन्होंने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इसके लिए स्वामीनाथ जी को और इनके पूज्य पिता स्वर्गीय बालेश्वर चौधरी जी के स्मृति में आज का यह आयोजन है। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और माँ भगवती आप सबों के जीवन में मंगल। शिकागो पिज्जा टेस्टी डिलीशियस यम्मी। विजिट माई शॉप NS31 कुर्सेला नियर बालाजी धर्मकाटा।